हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा पीडिया। तो आज हम अंडरस्टैंडिंग जे एंड के इकोनॉमी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इसका पहला वीडियो जो था वो द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर था, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, चेकआउट कर लेना। और जो फर्दर टॉपिक्स है वो हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि जैसे मैंने बताया बाकी वाले टॉपिक्स भी हम कवर करने वाले हैं आगे वाली वीडियोस में। तो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर में जो पहला पॉइंट हमारे पास आता है वो है दिस सेक्टर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू द 80% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन। तो इससे हमें ये समझ आता है कि जो ये सेक्टर है हमारे पास प्राइमरी सेक्टर, इससे 80% जो स्टेट की पॉपुलेशन है उनका रोजगार जो है वो चलता है। उसके बाद द पीपल एंगेज्ड इन दिस सेक्टर अर्न मनी बाय सेलिंग द एग्रीकल्चरल एंड एलाइड प्रोडक्ट्स फॉर इनकम एंड लाइवलीहुड। जो लोग इस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं वो पैसा कैसे कमाते हैं, जो एग्रीकल्चरल और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे इनकम जो आती है उससे अपना रोजगार जो है वो चलाते हैं। उसके बाद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग आर कंट्री अर्न देयर लाइवलीहुड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स। तो ये एक फैक्ट है कि बहुत सारे लोग जो हैं पूरे वर्ल्ड में भी और हमारी कंट्री को इंक्लूड करके भी अपना जो रोजगार है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है एग्रीकल्चर और उसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसी से अपना रोजगार चलाते हैं। ठीक है, फिर आता है मेन एग्रीकल्चर होता क्या है, तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर का, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, प्राइमरी सेक्टर में जो मेन एलिमेंट है वो एग्रीकल्चर ही है। तो एग्रीकल्चर के बारे में, कल्टीवेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स, प्लांट्स हुज बिहेवियर एंड अपीयरेंस हैव चेंज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर सेवरल जनरेशंस। मतलब प्लांट्स, उन प्लांट्स को जेनेटिकली जो मॉडिफाई किया जाता है ना टाइम के साथ साथ, जिससे जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मतलब उनकी जो फसल होती है वो अच्छी होती है, जो वो क्रॉप्स रेज करते हैं उससे उनको काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मिलता है। तो ऐसा ही कुछ जो है कंट्रोल जो करते हैं ह्यूमन बीइंग्स, जो इंसान है वो प्लांट्स को किस तरह मॉडिफाई करते हैं ताकि उनका फ़ायदा हो, तो यही कल्टीवेशन जो है डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स जो है इनकी कल्टीवेशन ही एग्रीकल्चर है। इट इज़ ग्रोइंग और रेजिंग ऑफ क्रॉप्स फॉर पर्सनल यूज एंड अर्निंग ऑफ मनी। जैसे कि बताया कि पैसा कमाने के लिए भी और अपने पर्सनल यूज के लिए भी इन क्रॉप्स को जो है ग्रो किया जाता है। उसके बाद द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन आर स्टेट आर राइस, वीट, मेज एंड पल्सेस। उसके बाद खरीफ और राबी क्रॉप्स क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। खरीफ क्रॉप्स कौन से होते हैं जो कल्टीवेट किए जाते हैं मानसून सीजन में, और इनका जो टाइम होता है वो मई से अक्टूबर तक का टाइम होता है। उसके बाद राबी क्रॉप्स कौन से होते हैं जो कल्टीवेट किए जाते हैं विंटर सीजन में, इनका टाइम होता है नवंबर से मार्च तक। ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब राइस, जो हमने अभी पीछे देखे, जो हमारे स्टेट में जो मेन क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं उनमें से एक राइस है, अब उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप, ये एक इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप है। पहला पॉइंट, राइस इज ग्रोन ऑल ओवर द स्टेट, ये हर जगह स्टेट में ग्रो किया जाता है राइस। जम्मू डिस्ट्रिक्ट एंड प्लेन्स ऑफ कश्मीर आर मेजर एरियाज फॉर राइस कल्टिवेशन। ठीक है, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है और जो कश्मीर है, प्लेन्स ऑफ कश्मीर, वो मेजर एरियाज है जहाँ पे राइस जो है वो कल्टिवेट किया जाता है। उसके बाद बासमती राइस ग्रोन इन द आर एस पूरा एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ जम्मू डिवीजन इज एक्सपोर्टेड इन लार्ज क्वांटिटीज एंड हैज बिकम वर्ल्ड फेमस ड्यू टू इट्स क्वालिटी। तो जो बासमती राइस आर एस पूरा और जो उसके साथ वाले एरियाज है जम्मू डिवीजन में जो पड़ता है, वहाँ पे जो ग्रो किया जाता है बासमती राइस, वो लार्ज क्वांटिटीज में बाहर एक्सपोर्ट भी किया जाता है और ये वर्ल्ड फेमस बन गया क्योंकि इसकी क्वालिटी और इसका टेस्ट जो है काफी अच्छा होता है। उसके बाद जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर का, उसको पॉपुलरली नोन किस नाम से किया जाता है, उसको पॉपुलरली जाना जाता है राइस बोल ऑफ कश्मीर के नाम से। ठीक है, ये राइस की कहानी थी पूरी। अब मेज, ये सेकंड इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जो हमारी स्टेट में ग्रो किया जाता है। इसका पहला पॉइंट है इट इज अनदर इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप है। इट इज ऑल्सो कल्टिवेटेड ऑल ओवर द स्टेट, इसको भी पूरी स्टेट में हर जगह पे जो है कल्टिवेट किया जाता है।
मेज इज मेनली ग्रोन इन उधमपुर, डोडा, राजौरी, कुपवाड़ा और अनंतनाग. ये कुछ जगहें हैं जहाँ पे मेज जो है वो ग्रो किया जाता है. उसके बाद पल्सेस, ठीक है. पल्सेस में पहला पॉइंट क्या है, पल्सेस आर लार्जली ग्रोन इन खरीफ सीजन. जो पल्सेस है उनको ज़्यादा अमाउंट में कब ग्रो किया जाता है, वो पल्सेस को खरीफ सीजन में. द मेजर पल्सेस ग्रोन इन द स्टेट आर राजमाश, जो रेड किडनी बीन्स है वो, और मूंग और माश. ये कुछ मेजर पल्सेस है जो हमारी स्टेट में ग्रो की जाती है. अब वीट जो है वो हमारी स्टेट में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ग्रो की जाती है, मेनली जम्मू डिविजन में. वीट कल्टीवेशन टेक्स प्लेस लार्जली फॉर सेल्फ कंजप्शन. जो वीट को कल्टीवेट किया जाता है वो ज़्यादातर जो है सेल्फ कंजप्शन के लिए किया जाता है, क्योंकि लोग ज़्यादातर वीट खाना प्रेफर करते हैं. तो ये वीट जो है ये एज अ कैश क्रॉप जो है, जो कि थर्ड पॉइंट में मेंशन भी किया है, इट्स रोल एज अ कैश क्रॉप जो मार्केट के लिए ग्रो किया जाता है, जिससे पैसे कमाए जाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है वीट उसमें, क्योंकि ये जो है सेल्फ कंजप्शन में ही ये जितना अमाउंट इसका निकलता है वो सारा लोग जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं. एज अ कैश क्रॉप जो है इसका इतना रोल नहीं रहता है. फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ग्रीन रेवोल्यूशन अभी क्या है, इट इज़ अ ब्रॉड प्रोग्राम लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर. एक बड़ा प्रोग्राम था जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जिससे किस लिए लॉन्च किया था इन्होंने, जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए था. द प्रोग्राम वॉज प्राइमरली स्टार्ट इन पंजाब एंड लेटर एक्सटेंडेड टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया. सबसे पहले ये पंजाब में शुरू हुआ था और बाकी स्टेट्स में भी फिर लेटर ऑन एक्सटेंड हो गया था ये प्रोग्राम. द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वॉज इंक्रीज बाई यूजिंग HYV, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स. अब हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स से क्या मतलब है, ये वो सीड्स होते हैं जिससे जो क्रॉप्स है वो ज़्यादा अमाउंट में बनती है, ठीक है. और ये पर्टिकुलरली जो है वीट और राइस के लिए किया जाता है, ठीक है. तो ये जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ये इंक्रीज करने का ये जो मेथड था ये गवर्नमेंट ने ढूंढा था. द इंटेंशन वॉज टू अटेन द सेल्फ सफिशियंसी इन द फूड ग्रेन्स एंड टू मूव फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शलाइजेशन. इसका इंटेंशन क्या था, सेल्फ सफिशिएंसी मिलना, ताकि जो हम गुजारा कर रहे हैं, जो हमारे पास कम क्वांटिटी में चीज़ें हैं, उससे कमर्शलाइजेशन तक की जर्नी तय हो. कमर्शलाइजेशन का क्या मतलब है कि जो हमें क्रॉप्स मिल रही है उससे हम सेल के लिए यूज़ कर सकें और उससे हम कुछ रेवेन्यू जो है वो भी जनरेट कर पाएँ.